हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है कि यूट्यूब पे मूवी अपलोड करके साउथ या हॉलीवुड या फिर टॉलीवुड या फिर कोई से भी मूवी अपलोड करके अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल बात सही है क्योंकि बहुत सारे लोग जनरेट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको उसी बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यूट्यूब पे कोई भी मूवी अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम ना आए, क्योंकि ज़्यादातर कैसे होते हैं कि अगर हम अपलोड कर रहे हैं डायरेक्ट कहीं से पिक्चर डाउनलोड करके अगर उसको अपलोड कर देंगे तो स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम तो आना ही आना, 100% उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसका भी एक तरीका है कि ताकि किस तरह से आप अपलोड करें तो आपके वीडियो भी अच्छे खासे रैंक करें और आपके चैनल पर भी कोई दिक्कत ना आए। तो लेकिन यही बात सही है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा चैनल छोटा है और सब्सक्राइबर कम है, व्यूज़ भी कम है, तो आप लोग मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के थ्रू आपको जानकारी दूंगा आप, ताकि उस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो उसका चैनल भी काफ़ी बड़ा है और उसका फेस वैल्यू है। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं बारीकी से तो उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और जो जानकारी देंगे उनका नाम मनोज देकर के है, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और उनके वीडियो के थ्रू आप किस तरह वीडियो अपलोड करेंगे, किस तरह डाउनलोड करेंगे, किस तरह क्या करेंगे, उसके बारे में पूरी नॉलेज लेके आप YouTube पे वीडियो अपलोड करके एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से विजिट करके जाके वो वीडियो को आप देख सकते हैं और उसके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।